गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियंका भारती के हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आज हम लोग उनके परिजनों के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जैसा कि शुरू से ही प्रशासन कह रहा है कि ये प्रियंका भारती की आत्महत्या है, जबकि प्रियंका भारती का जो बॉडी मिला था उसको देख करके कहीं से भी ये आत्महत्या नहीं लगता है। उसके शरीर पर जो धूल लगा है, रगड़ने का निशान है, जो चोट का निशान है, उसको देख करके कहीं से भी आत्महत्या नहीं लगता है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, उसने आत्महत्या किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि भाई वो गला दबाने से हत्या हुआ है। अब गला कोई अपराधी भी दबा सकता है, ऐसा थोड़ा है, पन्ने से जरूरी है तो दबे, या भी हो सकता है अपराधी इतना टेक्निकल हो कि वो इस हिसाब से हत्या किया हो कि आत्महत्या लगे। अब जो अंतिम बात है कि पुलिस लीपापोती कर रही है और इस मामले को दबाने के लिए सीधे कह रही है कि आत्महत्या है, तो ये मुख्यमंत्री का शहर है, गोरखपुर महानगर है और यहाँ के विश्वविद्यालय में अगर कोई बच्ची आत्महत्या कर लेती है, वो बच्ची जो दो दिन पहले टॉप की हो अपने सब्जेक्ट में, वो बच्ची आत्महत्या कर ले, तो क्या ये चुनौती का मामला नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? मतलब एक बच्ची आत्महत्या कर ले ये आम बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं कि बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है। पुलिस इसी दिशा में छानबीन करे कि वो आत्महत्या क्यों की, कोई सुसाइड नोट दिखा दे, कोई कारण बता दे, कोई उसके साथ ऐसी घटना बता दे जिससे करते वो डिप्रेशन में आई थी, या कुछ ऐसा बताए कि वो ये पुलिस की ये थियरी जो है सही साबित हो कि वो आत्महत्या की है। और आत्महत्या करे भी तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि एक विश्वविद्यालय में जो लड़की दो दिन पहले टॉप कर रही है वो आत्महत्या कर ले रही है। मतलब कुल मिलाकर के पुलिस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो मर गई कोई बात नहीं, अगर हत्या होता तो हम थोड़ा उसमें उछल कूद कर दें, नहीं तो आत्महत्या की तो कोई मतलब नहीं है, आप जाइए किनारे जाइए। पुलिस मुस्तैद कहाँ है? पुलिस पूरी तरह से इस बात में मुस्तैदी से काम कर रही है कि प्रियंका भारती हत्याकांड को लेकर के कोई धरना प्रदर्शन न हो पाए, छात्रों का कोई विरोध प्रदर्शन न हो पाए, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन न हो पाए। और इसके लिए हम जैसे नेताओं पर, छात्र नेताओं पर, एक्टिविस्टों पर, पूर्वांचल सेना कार्यकर्ताओं पर तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लाद करके फिर अभी हम लोग जमानत करा करके आए हैं और आज फिर मजबूरी में प्रेस वार्ता किया जा रहा है। तो कुल मिला करके हम उनके परिजन के साथ हैं और इनकी मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। गोरखपुर प्रशासन से हमको कोई उम्मीद नहीं है, गोरखपुर प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में लीपापोती कर रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो और मैं हमारे इंसाफ जो है मैं मिल पाए, क्योंकि यहाँ के प्रशासन से हमको इंसाफ लेने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये लीपापोती लोग कर रहे हैं यहाँ और मैं चाह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो ताकि सही तरीके से वो पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि हमने दो दो बार प्रयास किया मिलने के लिए, हमको मिलने शासन ने हमको रोक दिया यहाँ और फार्म वार्म सब दे दिए और सारे लोगों को वापस कर दिए, वहाँ हमको मिलने नहीं दिया गया। हमको बड़ी उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से मिल लेते तो हमारा न्याय मिल जाता, लेकिन प्रशासन ने हमको मिलने नहीं दिया। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दलित छात्रा प्रियंका भारती की हत्या पर बात करने के लिए आज प्रियंका के पिताजी के साथ हम लोग प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। साथियों, जिस दिन से दलित मेधावी छात्रा प्रियंका भारती की हत्या विश्वविद्यालय में हुई, उसी दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे और भी पदाधिकारी हो, डॉक्टर की लॉबी हो, इन सब ने दबाव बना करके हत्या को आत्महत्या का रूप देने का भरसक कोशिश किया है। और उनकी ये मंशा है कि चूँकि ये दलित बिरादरी का मामला है, इस मामले को हम दबा देंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियंका भारती दलित जरूर है, लेकिन हम जैसे भाई जब तक जिंदा हैं, वहाँ प्रियंका भारती के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रियंका भारती को न्याय नहीं मिला
इस प्रशासन द्वारा, तो आने वाले समय में जिस भी दिन हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम हम बहन प्रियंका भारती के आत्मा की शांति के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए बहन सुश्री मायावती जी से पहला अनुरोध करेंगे। और हमने कर भी दिया है, पत्र के माध्यम से हमने कर भी दिया है। और आज को आप लोगों को बताते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पहला काम होगा गोरखपुर का उस बहन प्रियंका भारती को हम लोग न्याय दिलाने के लिए बहन जी से रिक्वेस्ट करके एक एक चीज़ एक एक बिंदुओं पर हम लोग उसको न्याय दिलाएंगे। बाकी आज की वर्तमान सरकार जो जिस तरह से आरोप मढ़ रही है कि प्रियंका भारती ने आत्महत्या किया है, साथियों उसके फोटोग्राफ्स जो लिए गए उन फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं देख करके ये बता सकता हूँ, कोई भी बता सकता है कि जिस तरह से पैर नीचे ज़मीन पर घिसराए लटके हुए हैं और ज़बरदस्ती उसको लटकाया गया है फंडी से, वो कहीं हत्या आत्महत्या करने में इस तरह का कोई मामला नहीं आज तक आया। ये पहला मामला है जो पुलिस आत्महत्या को आत्महत्या करने में आतुर बनी हुई है।